नमस्कार विद्यार्थियों, ज्योग्राफी गैलेक्सी चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो आइए, हम अभी कर रहे हैं राजस्थान जी के, जिसमें ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। अभी हम ज्योग्राफी के जो राजस्थान के कई टॉपिक हैं वो पढ़ लिए हैं हमने। आज का अपना टॉपिक है बांध और झीलें। ठीक है, देखिएगा, बात करें अगर हम झीलों की, तो झीलें राजस्थान में दो प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, दो प्रकार की पाई जाती है, उनमें से एक जो है वो है मीठे पानी की झील, मीठे पानी वाली, और नंबर दो जो है वो है खारे पानी वाली झील। खारे पानी की झील होने का मुख्य कारण जो है राजस्थान में, वो है कि राजस्थान का जो मरुस्थली भाग है, ठीक है, राजस्थान का जो अरावली से पश्चिम का जो पार्ट है, मरुस्थली भाग है, वो जो 33 सागर है उसका अवशेष है। ठीक है, 33 सागर का अवशेष होने के कारण यहाँ नमक के कण पाए जाते हैं मिट्टी में, और धरातल पर जब पानी पड़ा रहता है तो धीरे धीरे वो खारा हो जाता है। इसलिए राजस्थान में अरावली के पश्चिम में जो पाई जाती है झीलें वो खारी है, और ये अरावली के पूर्व में पाई जाने वाली झीलें वो मीठी है। ठीक है, मीठे पानी की झील है। तो ध्यान में रखना, यहाँ पर जो खारी पानी की झीलें हैं राजस्थान की, वो अच्छे से आप याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा यहीं से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है हमें, चार झीलें दे देते हैं कि खारे पानी वाली झील कौन सी है वो अलग करो, या फिर किसी पर्टिकुलर झील का नाम दे देते हैं, इनमें से कौन सी झील मीठी है या खारी है। ठीक है, तो आप जो खारे पानी की झील है वो कुछ कम है, इसलिए उनको अच्छे से आप याद रख सकते हो, उनको याद रख लीजिए, फिर जो बचेगी वो मीठे पानी वाली झीलें हो जाएगी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आपको और अच्छा मटेरियल देने की जो कोशिश है उसको जारी रख पाऊँ। ठीक है, तो आइए इसके MCQs कर रहे हैं हम। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है। ठीक है, राजस्थान की जो ताल छापर झील है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ये जो झील है वो जोधपुर बाड़मेर में नहीं, ये चूरू में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, तो आप अच्छे से याद कर लेना। जो ताल छापर झील है वो खारे पानी वाली झील है, और चूरू ज़िले में ये पाई जाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कौन सी झील डेभर झील के नाम से जानी जाती है। डेभर झील बहुत बार क्वेश्चन आया है, जयसमंद, राजसमंद, पिछोला और सांबर। ठीक है, डेभर झील की बात करें तो ये जयसमंद झील का ही दूसरा नाम है। ठीक है, जयसमंद झील का ही दूसरा नाम है। अगर इनकी जो अन्य बातें हैं उसकी चर्चा करें हम, तो ये उदयपुर में है। ठीक है, जिला कौन सा है, उदयपुर, और मीठी पानी की झील है ये, ध्यान रखना, मीठे पानी वाली झील है। और इतना ही नहीं, ये सबसे बड़ी, यानी जो विश्व के स्तर पर देखा जाए तो ये दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, उदयपुर में पाई जाने वाली जो जयसमंद झील है ये कृत्रिम झील है, दूसरी विश्व भर की मीठे पानी की कृत्रिम झील है। बात करें अगर हम एशिया की, तो एशिया में यह नंबर वन पर मीठे पानी की कृत्रिम झील है। ठीक है, जबकि बात करें विश्व भर की तो ये सेकंड स्थान पर आ जाती है। तो आप इनको ध्यान में रखिएगा, इन लाइनों को। ये इसके बारे में कुछ मुख्य बातें हो गई। अगर इसके निर्माण की बात करें, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है ये। अगर बात करें हम निर्माण की, तो निर्माण जो है वो करवाया था जय सिंह ने। ठीक है, जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, और सात टापू हैं इस झील पर, आप ये भी ध्यान रखना, सात टापू हैं। कुछ टापू मुख्य हैं जिनके नाम आते हैं, प्यारी जो छोटा टापू है, और इसमें एक बड़ा टापू है जो है बाबा का भगड़ा। ठीक है, बाबा का भगड़ा। ठीक है, तो आप ये चीज़ें भी इसके बारे में याद रखना। अगला क्वेश्चन,
सी जो क्वेश्चन है वो है कि रानी जी की बावड़ी राजस्थान में किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट जो आए हुए हैं एग्जाम्स में वो क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिएगा, रानी की बावड़ी जो है वो बूंदी जो जिला है अपना उसमें लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, पुष्कर झील कितने घाटों में घिरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम पुष्कर झील की कि ये अजमेर में है, ठीक है। कहाँ है? अजमेर में है। नंबर दो, ये सबसे पवित्र झील मानी जाती है। इसकी कुछ जो विशेष बातें हैं वो अपन उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पवित्र है, ठीक है। प्राकृतिक झील है, ये कृत्रिम झील नहीं है। और ये ज्वालामुखी उद्गम के दौरान बनी हुई झील है, तो ये प्राकृतिक झील है, ठीक है। राजस्थान की प्राकृतिक झील, सबसे पवित्र झील। और बात करें यहाँ मंदिर की, तो ब्रह्मा जी का यहाँ मंदिर है जो कि राजस्थान का एकमात्र मंदिर है, ठीक है। ब्रह्मा जी का यहाँ मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध है मंदिर, और राजस्थान में एकमात्र मंदिर बताते हैं, ठीक है। तीर्थों का मामा इसके कुछ नाम है, वो आप ध्यान में रखना। इसको तीर्थों का मामा यानी राजस्थान की जो झीलें हैं उनमें सबसे पवित्र होने के कारण इसको तीर्थों का मामा कहा जाता है, या फिर तीर्थराज भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें इसके बारे में, पुष्कर के बारे में आप ध्यान में रखना। और यहाँ घाटों की संख्या पूछी है, तो घाट इसमें 52 है, ठीक है। 52 घाट हैं पुष्कर झील में। अगला क्वेश्चन, जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? जैत सागर तालाब पूछा है आपको, तो जैत सागर तालाब आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये है बूंदी में है, ठीक है। जैत सागर तालाब और गैप सागर ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। मिलता जुलता नाम है, तो आप ध्यान में रखिएगा। गैप सागर एक है गढ़सीसर, ठीक है। तो ये जो नाम हैं ये थोड़े से कंफ्यूज करने वाले हैं, क्वेश्चन भी ऐसी जगहों से ही आते हैं, तो ध्यान में रखना। गैप सागर जो है वो डूंगरपुर में है, ठीक है, जबकि गढ़सीसर जो है वो अपने जैसलमेर जिले में है। तो ये हो गया जैत सागर बूंदी में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो कौन सा है? राजस्थान में नमक उत्पादन का अगर बड़ा स्रोत पूछा जाए तो आपको सांभर ठीक करना है उसमें। देखिए, भारत की ये दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहली कौन सी हो गई? इंडिया में पहली जो है वो हो गई चिल्का, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। और नंबर दो पर अपनी राजस्थान वाली आती है, वो कौन सी? सांभर, ठीक है। इंडिया की बात हो रही है यहाँ, तो सांभर जो है वो सेकंड नंबर पर आ जाती है। निर्माण की अगर हम बात करें, देखिएगा निर्माण भी पूछ लेते हैं बहुत बार इन झीलों का। तो निर्माण की अगर बात की जाए, आप बहुत अच्छे से सुनना लेक्चर को, या आप साथ साथ में लिखते जाना। बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो चीज़ें ली है मैंने। निर्माण वासुदेव ने किया था। कौन थे वासुदेव? वासुदेव जो थे वो एक चौहान वंश के शासक थे, उन्होंने इस झील का निर्माण किया था। और यहाँ पर अगर हम उत्पादन की बात करें, उत्पादन की अगर बात की जाए, तो इस झील में अपने देश भर का 8.7% नमक उत्पादित होता है, ठीक है। ये परसेंट भी बहुत बार पूछा गया है, तो आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नवनेरा बांध किस तहसील में है? यहाँ आपको तहसील दी गई है, आपको बता दूं कि ये कोटा जिला की तहसीलें हैं सारी की सारी। तो कोटा में कौन सी तहसील में, ये क्वेश्चन यूं का यूं आया हुआ है एग्जाम में, नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है, यानी जो बहुत अच्छे से जिसको मतलब ये क्लियर है कि ये तहसीलें कोटा जिले की है और फिर कौन सी तहसील में, वो ही इस क्वेश्चन को ठीक कर पाते हैं। तो ध्यान रखना, आगे से ये क्वेश्चन फिर दूसरी तरह से घूम फिर कर आ सकता है। नवनेरा बांध जो है वो कोटा में है, और ये दिगोद जो थर्ड ऑप्शन है इसका, दिगोद ये ठीक है, दिगोद तहसील में है, ध्यान में रखना। दिगोद कोटा की एक तहसील है, वहाँ नवनेरा बांध है, जो कि 2021 का आया हुआ अभी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये।
और अगर बात करें इसमें तो पूर्वी जो राजस्थान की नहरों की जो परियोजना चल रही है उसमें इस परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन, नवलखा झील राजस्थान के किस जिले में है? काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप भी ध्यान में रखिएगा। नवलखा झील जो है वो बूंदी में है, ठीक है, नवलखा झील बूंदी में है। अगला क्वेश्चन, बांकली झील किस जिले में है? बांकली झील, या इसको हम वाकली भी बोलते हैं, कई बार कई जगह वाकली लिखा आता है, तो वाकली झील भी इसको बोला जाता है, वाकली झील, जो कि ये पाली में है। सी ऑप्शन ठीक है इसका, पाली जिले में है, ठीक है, पाली जिले में। दूसरा कौन सी झील है? तो पाली जिले में एक बांकली झील है और दूसरी है एक सरदार समंद झील, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखना सरदार समंद झील, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है? ठीक है, अब बात आई है राणा प्रताप सागर बांध, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि यह चंबल नदी पर अवस्थित एक बांध है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बांध है, जो कि चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है, ठीक है। तो अगर हम चर्चा करें तो चंबल नदी पर और कौन कौन से बांध हैं, तो मुख्य चार बांध हैं, राणा प्रताप सागर के अलावा भी तीन बांध ऐसे हैं जो कि चंबल नदी पर हैं। इसमें पहला जो है वो है गांधी सागर, ठीक है, ध्यान में रखना गांधी सागर, जो कि एमपी में है, राजस्थान में नहीं है, ये एमपी में हो गया, ये मंदसौर जिले में है, ठीक है, मंदसौर एमपी। नंबर दो अगर हम बात करें तो ये हो जाता है राणा प्रताप, ठीक है, राणा प्रताप, जो कि चित्तौड़गढ़ में हो गया। और नंबर तीन की बात करें तो जवाहर सागर, ठीक है, ये सब के सब चंबल नदी पर हैं, जवाहर सागर, ठीक है, ये कोटा में है। और नंबर चार की बात की जाए तो कोटा बैराज, वो भी कोटा में अवस्थित है। तो आप इन चारों बांधों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ये चारों के चारों चंबल नदी पर अवस्थित हैं। क्वेश्चन आ सकता है, तीन बांध दे दिए, इनमें से एक अलग से आ गया आपको दिया कि चंबल नदी पर कौन सा बांध अवस्थित नहीं है, तो आपको अलग करना पड़ेगा, तो आप इन चारों को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? ठीक है, तो बात आ रही है यहाँ झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम यानी NLCP, ठीक है, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी झील नहीं आती? अगर बात करें हम इसके आरंभ की, तो ये स्टार्ट हुआ था, ये जो परियोजना, ये जो कार्यक्रम है, ये स्टार्ट हुई थी जून 2001 में, ठीक है, उस समय वन और जो पर्यावरण मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। इसमें जो उद्देश्य था वो था कि राजस्थान में से 6 जो झील है उनका पुनर्निर्माण किया जाए, पुनरुद्वार किया जाए और उसका संरक्षण रखा जाए। अब वो छः झीलें कौन सी थी, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम्स में, तो आप ध्यान में रखिएगा इन छहों झीलों का यहाँ आपको पूछा गया है कि नहीं आती है। तो देखिएगा, पहले हम छहों झीलों की बात करते हैं, वो छः झीलें जो है वो है फतेह सागर, नंबर दो पिछोला, नंबर तीन मानसागर और नंबर चार आना सागर और नंबर पांच है पुष्कर झील, ठीक है, पुष्कर झील। तो आप इन झीलों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कैसे भी घुमा फिरा कर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए आप, फतेह सागर, नक्की झील, स्वरूप सागर और आना सागर झील, ठीक है, और इसमें एक नक्की झील, पांच हो गई, छठी है जो नक्की झील, जो कि सिरोही में माउंट आबू पर है,
नक्की झील। तो इसमें देखिएगा नक्की झील आ गई, फतेह सागर आ गई, स्वरूप सागर नहीं आई, आना सागर आ गई। इसका मतलब जो सी है स्वरूप सागर इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? चार बांध दिए हैं आपको, अभी अभी हमने इस पर डिस्कस किया था। यहाँ पूछा गया है कि चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है। देखिएगा, जवाहर सागर बांध था, राणा प्रताप सागर बांध था, ठीक है, राणा प्रताप सागर, प्रताप सागर, और नंबर तीन कोटा बैराज भी था। तो चार, तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक थे। चौथा कौन था? जवाहर सागर, राणा प्रताप बांध और कोटा बांध। इसके अलावा जो एमपी में है गांधी सागर बांध, वो भी इसी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस झील पर नटनी का चबूतरा प्रसिद्ध है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको यूं ही मत इग्नोर मत कर दीजिएगा, ध्यान में रखना। नटनी का जो चबूतरा है वो है पिछोला झील पर। ठीक है, जो अपना सेकंड ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट बैठता है। अगर बात करें हम पिछोला झील की, तो जो निर्माण था, ठीक है, ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट झील है, निर्माण जो था वो राणा लाखा के काल में, राणा लाखा के काल में एक पिच्छू नामक, ठीक है, पिच्छू नामक कोई बंजारा था, ठीक है, बंजारा था, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसका? पिछोला झील का। ठीक है, और इस पर गलकी नटनी का, इसके पास में ही एक चबूतरा है जिसको नटनी का चबूतरा कहते हैं, गलकी नाम था उसका, गलकी नटनी का चबूतरा था, चबूतरा है, इसके कारण इसको इस चबूतरे एक इस झील की एक पहचान है, नटनी का चबूतरा। ठीक है, और अगर हम इतिहास की बात करें तो मुगल काल के जो शासक थे शाहजहां, उसने अपने पिता से बगावत करके यहाँ पर शरण ली थी। ठीक है, तो शाहजहां से आप इसको जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल N2 से युक्त खाद प्राप्त होती है? ऐसी कौन सी झील है राजस्थान की झील से, जिससे नील हरित शैवाल है जो N2 से युक्त खाद प्राप्त होती है? ठीक है, वहाँ के शैवाल, मतलब उस झील के जो शैवाल है वहाँ से N2 यानी नाइट्रोजन से युक्त खाद प्राप्त होती है। ठीक है, उन शैवालों से, तो ये झील कौन सी है? आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये झील है मोती झील। ठीक है, मोती झील है, और मोती झील है जो, ध्यान रखना, यहाँ इसकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है आपको, ये भरतपुर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, गड़सीसर झील कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लिए हैं मैंने, आप बहुत अच्छे से लेक्चर को सुनना, ध्यान रखना। गड़सीसर जो झील है वो अभी हमने चर्चा की थी, तीन जो झील हैं जो कंफ्यूज वाली, उनको आपके सामने रखा था मैंने, ये जैसलमेर जिले में स्थित है गड़सीसर झील। ठीक है, गड़सीसर झील के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये सबसे पहले तो मैं आपको जैसलमेर में जो अन्य झीलें हैं उनके बारे में बता दूं कि गड़सीसर झील के अलावा भी यहाँ अमर सागर, ठीक है, जैसलमेर की मुख्य जो झीलें हैं उनमें अमर सागर, एक बुज की झील है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, बुज झील, ठीक है, इन दोनों झीलों को आप इसके साथ में ही ऐड कर लेना, ध्यान रखना, गड़सीसर, अमर सागर, बुज झील, तीनों की तीनों जैसलमेर में है। अगर बात करें हम गड़सीसर का, तो जो निर्माण हुआ था वो हुआ, निर्माण सबसे पहले राव जैसल ने करवा दिया था। ठीक है, राव जैसल, जैसलमेर की स्थापना करने वाले राव जैसल ने इसका निर्माण करवा दिया था 1156 ईस्वी में, लेकिन इसका पुनरुद्वार हुआ, इसका पुनर्निर्माण हुआ 1156 इसमें गड़सीसर के द्वारा। ठीक है, गड़सीसर के द्वारा कब हुआ? वो हुआ 1337 ईस्वी में, 1337 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन आता है कि राज सिंह ने, ठीक है, राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण कब करवाया। ठीक है, तो राजसमंद झील की बात की जाए, यहाँ पर जो ऑप्शन है उनके अनुसार ये 1680 में ठीक होगा, बाकी 1662 भी इसका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, और जो ऑप्शन थे वो के वो यहाँ मैं आपको मैंने उससे बताया है, उसमें ठीक इसको 1680 को माना है। राज सिंह ने राजसमंद झील को जो बनाया वो गोमती नदी पर बनाया था, तो ध्यान रखना आपने जो ये नदी है उसको भी आप अच्छे से याद रखना, गोमती नदी पर इसका निर्माण करवाया गया था, और अकाल के दौरान लोगों को हेल्प मिल सके, पानी मिल सके, ठीक है, तो गोमती नदी इसलिए इसका निर्माण हुआ था, और कृत्रिम है, ठीक है, किसी शासक के द्वारा बनाई हुई है ये झील, कृत्रिम है। और बात करें हम इसके उत्तरी भाग की, तो उत्तरी भाग में इस पर 9 चौकियां स्थित है, ठीक है, 9 चौकी स्थित है इस झील के उत्तरी भाग में, जो कि इसके झील के उत्तर की तरफ अवस्थित है, ठीक है, दिशा को भी आप ध्यान में रख लेना। और यहाँ पर संगमरमर की 25 जो हैं वो शिलालेख हैं, ठीक है, 25 शिलालेख लिखे गए हैं जो कि संस्कृत में हैं, ठीक है, संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति शिलालेख में मेवाड़ का इतिहास उन पर लिखा गया है, ठीक है, तो संगमरमर की 25 यहाँ शिलालेख हैं, इन पर 25 शिलालेख लिखे गए हैं जो कि संस्कृत भाषा में हैं, और राज प्रशस्ति शिलालेख बोला जाता है उनको, और इन पर मेवाड़ का जो इतिहास है वो लिखा गया है, ठीक है, तो राजसमंद और ये प्रशस्ति और नौचौकी, गोमती नदी और इसका निर्माण काल। राजस्थान में किस झील को टोड रॉक के रूप में जाना जाता है, टोड रॉक एक मेंढक के रूप में चट्टान की बात हो रही है, तो इसके रूप में कौन सी झील को जाना जाता है, तो टोड रॉक की बात करें तो वो नक्की झील को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेजा बांध किस झील पर स्थित है, बांध की बात आई है, मेजा बांध जो है वो किस झील पर स्थित है, तो देखिएगा मेजा बांध की अगर हम बात करें तो मेजा बांध जो है वो आप नदी ऑप्शन देखिए, मेजा बांध कोठियारी नदी पर अवस्थित है, ठीक है, कहाँ, कोठियारी नदी। और मेजा बांध की अवस्थिति की बात करें तो भीलवाड़ा मांडलगढ़ में ये इसकी अवस्थिति है, मांडलगढ़, ठीक है, और कोठियारी नदी पर। अगर बात करें हम अन्य बांधों की तो देखिएगा माधो सागर बांध इम्पोर्टेंट जो है वो आप थोड़े से नोट डाउन कर लीजिए, माधो सागर बांध है ये है अपने यहाँ दौसा में, ठीक है, माधो सागर बांध दौसा में है, क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो ही लिए हैं मैंने, जवाहर सागर की हम बात कर चुके, कोटा बूंदी, ईसरदा बांध है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ईसरदा बांध यह है सवाई माधोपुर में, ठीक है, सवाई माधोपुर में ईसरदा बांध है, और कडाना बांध है जो कि माही नदी पर है, ये याद रखना है क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो गुजरात में है, तो कडाना बांध माही नदी पर याद रख लेना आप, ठीक है, यहाँ नदी पूछी जा सकती है। बीसलपुर बांध बनास नदी पर है ही, मेजा बांध आ गया, और बात करें हम जाखम बांध तो ये प्रतापगढ़ में है, ठीक है, जाखम बांध भी इम्पोर्टेंट है, तो ये कहाँ है, ये प्रतापगढ़ जिले में है, ठीक है। गैप सागर हमने डूंगरपुर में पढ़ लिया, राणा प्रताप सागर हमने रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में पढ़ लिया, एक आलनिया है उसको भी ध्यान में रख लेना, आलनिया जो कि कोटा में है, ये नए जो नाम हैं ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लेना, ये बांध हैं इम्पोर्टेंट। अब बात करें हम सांभर झील में सर्वाधिक नमक की मात्रा लाने वाली नदी की, ठीक है,
क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि सांभर झील में जो चार नदियां आती है आकर गिरती है, उनमें से सबसे ज्यादा नमक कौन सी नदी लाती है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो हम जानते हैं कि सांभर झील में खारी, रूपनगढ़, मेंढा और खंडेला, ये चारों की चारों नदियां आकर मिलती है। और इसमें जो मेंढा नदी है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है, वो सबसे सर्वाधिक यानी सबसे अधिक जो नमक है वो लाती है। तो आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, आज झील और बांध अपने राजस्थान के हो गए हैं। यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने टोटल ले लिए हैं। आप एक दो बार इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुन लेना, कहीं कोई आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। सारे के सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं इसमें। तो आज इतना ही, कल हम फिर अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।